सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 13 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे पिछले साल का भी कुछ प्लेलिस्ट मिलेगा, अगर आप उसे वॉच करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पीडीएफ दिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर 26 नंबर सवाल है, और जब तक हम सवाल को पढ़ेंगे तब तक अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। पढ़िए सवाल को। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तुलसीदास, बी में बाणभट्ट, सी में सूरदास और डी में रस खान। सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा बाणभट्ट जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27 में, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा क्यांत्रित, ठीक है। क्यांत्रित हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। क्यांत्रित हो जाएगा सही उत्तर, याद रखना। संगमरमर जो है ये चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो क्यांत्रित। चलिए अगला प्रश्न है 28 में, आपके सामने है सवाल, राइट आंसर कमेंट करना खुद से प्रयास करके। पहले निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में नाइट्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, ठीक है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न है 29 में, आपके सामने है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन, 2004, 2005, 2006, 2007। सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, यानी कि 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में लाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही सवाल है, और ऐसे ही सवाल खास करके एमआर में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 30 में, सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर खाली स्थान बरकरार रखा है, 2%, 2.57%, 3%, 3.5%। 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3% बरकरार रखा है, ठीक है। ध्यान रखना, सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर जो है 3% बरकरार रखा है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 में, आपके सामने चार ऑप्शन भी है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग, मलेरिया फैलने वाली रोगाणुओं की खोज किसने की थी? जो रोगाणु होते हैं उसकी खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन, 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन ने, ठीक है। याद रखना, जो कि मलेरिया फैलने वाले रोगाणुओं की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमजद अली खान जो कि तबला से, उस्ताद बिस्मिल्ला खां सहनाई से, हेमा मालिनी भारतनाट्यम से और डी में शंभु महाराज कथक से। सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, यानी कि अमजद अली खान जो है ये तबला से मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी, यानी कहने का मतलब, बाकी सब है, ठीक है। 32 में सवाल अच्छा सवाल है, मतलब यहाँ पे ठीक है, यह सवाल नहीं आएगा मानता हूँ, लेकिन कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, तो इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन है, ये गलत है। लेकिन ये तो सही है ना, उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये सहनाई से संबंधित है, हेमा मालिन भरतनाट्यम से, शंभु महाराज जो है कथक से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 33 में, द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? लेखक से सवाल आ रहे थे एग्जाम में, जितने भी सवाल हैं गूगल पे या कहीं पे भी उसको देखना होगा, ठीक है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा रूपा पाई, ठीक है। रूपा पाई जो है द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 में, आपके सामने है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जे एम किन्स, लियोन वाल्सर और सी में डेविड रिकार्डो,
और डी में है स्मिथ, एडम स्मिथ। सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा लियोन वाल्सर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है 35 में, 35 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, यानी कि यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हम लोग का स्क्रीन पे है 36। आप लोग राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 37 में, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अवैध सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तू, मार्क्स। सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा ऑस्टिन। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ये भी देखिए ऐसे ही सवाल आपको मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि सवाल ऐसे आते एग्जाम में, तो इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा मतलब अच्छे से देखना। अगला प्रश्न है 38 में, 38 भी कोई ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा क्या, 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा आपका। ठीक है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है, तो आप मिला लीजिएगा, सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 39 में, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और डी में स्वदेशी आंदोलन। 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा, तो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 में, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तूफान, बवंडर, ट्विस्टर, टाइफून। सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा टाइफून। ठीक है, याद रखना। चलिए उसके बाद देखिए 41 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, जो कि हिस्सा नहीं है किसका, स्कैंडिनेविया का। चलिए अगला प्रश्न है 42 में, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? बताइए तो फटाफट, बिश्नोई आंदोलन जो था किसके विरुद्ध किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, सी में पशु हत्या और डी में प्रदूषण वृद्धि। 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा पेड़ों की कटाई। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर सवाल में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, LPG कनेक्शन प्रदान करना। तो शायद ये सब लोग को तो नहीं मिला था, लेकिन लगभग लगभग मतलब जो मतलब देहात के लोग बिलोंग करते हैं, मतलब गाँव के लोग, तो वहाँ पे शायद मिला था कुछ लोग को, मतलब कुछ लगा मतलब अच्छा खासा मिल गया था सब लोग को, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो था हम लोग का गैस के साथ जो भी कनेक्शन था वो मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल 44 में, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपने तो शायद जानते होंगे। 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ियों होते हैं। ठीक है, खिलाड़ी की संख्या होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 45 में, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है यहाँ पे, मिलान कर लीजिएगा। सही उत्तर मैं बता देता हूँ, 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 45
45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा खुद से। मैं इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और लेने के बाद यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल 46 में आपके स्क्रीन पे है। सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक लेखिका कौन है? अरविंद अडिगा, अनिल मेनन, कृष्णा सोबती, अरुण अरुणव सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा अरविंद अडिगा। ठीक है, याद रखना 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, ब्राजील, रूस, आइसलैंड, चीन। सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है 48 में, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का सर्वोच्च होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा क्या, एकाधिकार। ठीक है, 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा एकाधिकार। अगला प्रश्न है 49 में, आपके सामने चार ऑप्शन भी है, राइट आंसर फटाफट कमेंट करना। प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? संगठक, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 50 का डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा सही उत्तर। तो ये रहा आज का हमारा मतलब 25 सवाल, और पार्ट कितना रहा, 14 रहा। तो इस पार्ट में कहीं भी आपको दिक्कत हुआ, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेगा, जितना भी हम इस बार का 2020 बैच के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जिनको अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना होगा कर लेना PDF के लिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है वहाँ पे, एक्चुअली में बन चुका है, आप जाके वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और कल प्रैक्टिस सेट हो सकता है आपके लिए बेस्ट आ सकती है। ठीक है, तो मतलब जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाता है एक दिन पहले ही। तो बस जो भी लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पढ़ाई के काम नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।